बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई की तारीखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की नई बेंच 10 जनवरी को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने तय समय सीमा में फैसला देने की पीआईएल खारिज की। दिल्ली के मोतीनगर में कंप्रेसर ब्लास्ट होने से पंखा बनाने वाली फैक्ट्री की छत और दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के बाद केरल में हालात बिगड़े, 750 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, 100 से ज्यादा लोग घायल, घायलों में पुलिस वाले भी शामिल। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अजय माकन का इस्तीफा, अजय माकन ने जिम्मेदारी देने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार जताया। शिवसेना से गठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की दो टूक, कहा महाराष्ट्र में कुछ खोकर गठबंधन नहीं होगा, सांसदों से लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, एचएस फुल्का ने पार्टी से इस्तीफा दिया, आज पार्टी छोड़ने का कारण बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर, 24 घंटे के लिए दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगी, कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स कैंसिल। और सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी 7 विकेट के नुकसान पर 622 रन बनाकर घोषित की, ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक लगाकर इतिहास रचा, विदेश में अपने पहले दोहरे शतक से चूके चेतेश्वर पुजारा।